तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और दिवाली से हमारा इंडियन कल्चर देखने को मिलता है। पर एक चीज़ जिसमें हमारा कल्चर बहुत कम दिखता है वो है एनिमेज। एंड ऑफकोर्स यार, एनिमे जापान में बनता है तो ऑफकोर्स हम जापानीज कल्चर के बारे में सीखते हैं बाय वॉचिंग एनिमेज, टू द पॉइंट कि हम कोनिचिवा और अरिगातो गोजाइमस बोलकर खुद को जापानीज समझने लगते हैं और धीरे धीरे हमें इस बात की भनक भी नहीं लगती और हम एक वेबू बन जाते हैं। पर दोस्तों, ऐसे कुछ एनिमे हैं जिसमें इंडियन कल्चर और कैरेक्टर्स को खाया गया है, तो आज मैं आप लोगों से ऐसे ही एनिमेस की बात करने जा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना और मुझे बताना कि आपको इनमें से कौन सा रेफरेंस पहले से पता था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन रेफरेंसेस की और फिर डिस्कस करेंगे इंडियन कैरेक्टर्स। सबसे पहला एनिमे है अनुहाना एंड दिस एनिमे इज इनफ टू मेक अ ग्रोन मैन क्राई। तो इस एनिमे में मेन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में से एक होता है हिसाकावा, जो इंडिया विजिट करके आया हुआ होता है और जब वो फाइनली जापान में अपने दोस्तों से वापस मिलता है तो वो उनको मसाला चाय के बारे में बताता है और लेटर इन द सीरीज वो उनके लिए खीर भी बनाता है, जो सभी कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो दिस वॉज अ रियली होलसम इंडियन रेफरेंस। एक और फेमस इंडियन रेफरेंस हुआ है इन द एनिमे योका, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बहन बनारस या वाराणसी से होती है। इवन दो इस सीरीज में ओरेकी की बहन को कभी दिखाया नहीं गया, पर वाराणसी का नाम सुन के फीलिंग अ प्राउड इंडियन वाली फीलिंग जरूर आएगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एनिमे। हाँ, इस एनिमे का नाम ही अनदर है। तो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर का डैड इंडिया में होता है एंड अगेन जस्ट लाइक योका, इसमें भी उसका डैड कभी दिखाया नहीं जाता, बट मेन कैरेक्टर का डैड उससे हमेशा बात करता है फोन पे और वो ये कहता है कि इंडिया इज वेरी वेरी हॉट। आई मीन इंडिया में मैं रहता हूँ तो इंडिया तो हॉट हो गई। चल बजड़ी के। अब अगर हॉट की ही बात हो रही है तो चलो बात करते हैं जोजो की। तो दोस्तों, जोजो के पार्ट 3 में सब कैरेक्टर्स कोलकाता के सिटी में रुकते हैं और अनलाइक दूसरे एनिमे जैसा जोजो ने इंडिया को काफ़ी एक्यूरेटली एंड ब्रूटली पोर्ट्रे किया है। अब तुम कमेंट करोगे कि दिस वीडियो इज अ जोजो रेफरेंस, पर क्योंकि मैंने ये पहले ही बोल दिया है तो तुम्हारा कमेंट करना कि दिस वीडियो इज अ जोजो रेफरेंस वो अपने आप में ही एक जोजो रेफरेंस होगा। आई थिंक माई ब्रेन जस्ट कमिटेड सुसाइड। खैर, एनिमे चार्लोट में भी इंडिया को एक बार दिखाया गया था जब हमारा मेन कैरेक्टर यू ओतोसा का पूरी दुनिया घूम रहा था। खैर, इसके अलावा 2017 में आया गेमर्स, जिसमें कि थ्री इडियट्स का ये आइकॉनिक सीन कॉपी गया था। तो जिनको नहीं पता, थ्री इडियट्स वर्ल्ड वाइड इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवी है और इंडियन सिनेमा की बात करें वर्ल्ड वाइड तो सिर्फ थ्री इडियट्स ही सबके सामने आती है। इसीलिए जब ये बॉलीवुड रेफरेंस गेमर्स एनिमे में आया तो एवरी इंडियन ओटाकूज वेर रियली थ्रिल्ड। अब जो मैं नेक्स्ट रेफरेंस बताने जा रहा हूँ वो तो तुम लोग को पता होगा ही, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ वेरी फेमस एनिमे नारुतो शिबुदेन। तो नारुतो शिबुदेन में आपको पता होगा कि इंडियन गॉड्स इंद्रा और अशुरा को एज अ कैरेक्टर यूज किया गया था और इसके अलावा भी बहुत बार इंडियन मिथोलॉजी को यूज किया गया है इन एनिमे एंड मांगा। खैर, इसके अलावा हाल ही में कबड्डी का एनिमे अनाउंस हुआ था शुकात्सु नो कबड्डी करके, जो कि अगले साल आने वाला है बॉयज। तो क्योंकि कबड्डी इंडिया का स्पोर्ट है तो ये पूरा एनिमे एक बिग इंडियन रेफरेंस होने वाला है। वो बात अलग है कि जीतेंगे तो जापानीज ही। नाउ टॉकिंग अबाउट द रीसेंट मांगा रेफरेंस, तो कागुया-सामा लव इज वॉर में माकी शिजो इंडिया विजिट करती है इन चैप्टर 161। वो इंडिया विजिट करती है क्योंकि उसे एनलाइटनमेंट चाहिए होती है। लाइक गर्ल, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं मिले इनलाइटनमेंट, पर शायद तुम्हें इनलाइटनमेंट मिल जाएगी रेंट गर्लफ्रेंड के चैप्टर 111 के कवर को देखकर, जिसमें कि 2020 की बेस्ट गर्ल मिसुहारा हमें इंडियन साड़ी में देखने को मिली। और दोस्तों, ये बहुत क्यूट इंडियन कल्चरल इंक्लूजन था बाय द मांगाका ऑफ रेंटल कानाजो। पर चलो, ये तो हो गए इंडियन रेफरेंस, अब आते हैं हमारे मेन वीडियो पर, इंडियन एनिमे कैरेक्टर्स। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हेंटाई का मेरा मतलब एनिमे का मेन कैरेक्टर कौन नहीं बनना चाहता यार। तो चलो, अब बात करते हैं ऐसे एनिमेज में जहां पर इंडियन कैरेक्टर्स फीचर हुए हैं। फर्स्ट इज युगोसागो रामायण। इसको निप्पो कॉरपोरेशन ने बनाया था और ये पूरी मूवी इंडियन मिथोलॉजी रामायण पर बेस्ड है। इट्स अ रियली आइकॉनिक मूवी। मुझे याद है मैं 5th grade में था और मेरे दोस्त रामायण एनिमे देखते थे और मैं सोचता था नॉर्मिस कार्टून देख रहे हैं, कहाँ मैं एनिमे देख रहा हूँ। बट लिटिल डिड आई नो दैट वॉचिंग रामायण वॉज अ जोजो रेफरेंस। नेक्स्ट एनिमे जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है ब्लैक बटलर, और ये एनिमे फेमस है डैडी सेबेस्टियन, मेरा मतलब सेबेस्टियन के लिए। इस एनिमे में पूरा आर्क है इंडियन कैरेक्टर्स पर एंड इट्स कॉल्ड द करी आर्क, क्योंकि अपेरेंटली जैसे जापान सुनकर के तुम्हें क्यूट गर्ल्स की याद आती है, वैसे ही जापानीज को इंडिया सुन के करी की याद आती है। तो दोस्तों, इस एनिमे में तीन इंडियन कैरेक्टर्स हैं। पहला तो प्रिंस सोमा कदर, जो बंगाल का राजा होता है, उसका बटलर अग्नि, जो पहले ब्राह्मण था, और उसकी खासियत ये होती है कि वो खून के आसुर होते हैं।
नानी? हाँ, आपने सही सुना। तो ये दोनों कैरेक्टर अग्नि, सोमा, मीना को ढूंढने के लिए इंग्लैंड हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। और मीना भी इंडियन है, तो इस एनिमे में तीन इंडियंस हैं ओवरऑल। अब बात करते हैं बहुत फेमस एनिमे की, जैसे कि ड्रैगन बॉल। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल में टूर्नामेंट आर्क में नम नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम एक इंडियन इंक्लूजन की तरह देख सकते हैं, क्योंकि उसने पगड़ी पहनी होती है और बिंदी लगाई होती है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि यनमा और काइस भी इंडियन मिथोलॉजी पर बेस्ड हैं। ड्रैगन बॉल की तरह एक और फेमस शोनेन एनिमे में इंडियन रेफरेंस था, वो है फेरी टेल। फेरी टेल में कैरेक्टर होती है एक्लेयर, जो कि हमेशा इंडियन साड़ी में नजर आती है, विच इज अ ग्रेट इंडियन सिंबलिज्म। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रेफरेंस, इट कम्स फ्रॉम एनिमे कोड गियस, जहां पर हमें रक्षिता चावला नाम की इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलती है। रक्षिता चावला ये हेड होती है ब्लैक नाइट रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, और ये एनिमे में अपना डेब्यू करती है इन एपिसोड 17। तो नेक्स्ट इंडियन कैरेक्टर का नाम ही है इंडिया, क्योंकि वो हेटालिया एनिमे से आता है। तो दोस्तों, हेटालिया एक ऐसा एनिमे है जहाँ पर हर एक कैरेक्टर एक देश को रिप्रेजेंट करता है। इस एनिमे में आपको साउथ कोरिया, रशिया, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश के भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर कम फ्रॉम बर्शर्क। तो बर्शर्क में एक इंडियन कैरेक्टर है जैसे कि कनिष्क, जो कि इंस्पिरेशन लेके बनाया है फ्रॉम कुशन एम्पायर्स एम्परर कनिष्क। नाउ इवन दो आप इसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हो कि कुशन एम्पायर मोस्टली इंडिया में तो था ही नहीं, पर इवन आफ्टर दैट इट्स अ ग्रेट इंडियन सिंबलिज्म। और भी इंडियन कैरेक्टर्स है बर्शर्क में, जैसे कि सिलत और उसके गार्ड्स, जो आपको मुगल एरा की याद जरूर दिलाएंगे। पर ये सभी कैरेक्टर जो मैंने मेंशन किए, ये सब साइड कैरेक्टर्स हैं। लाइक एज ए इंडियन, मुझे अगर कोई एनिमे में जाना है तो मुझे मेन कैरेक्टर होना चाहिए, राइट? तो ऐसा एक एनिमे है दोस्तों जहाँ पर हमारा इंडियन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर में से एक होता है। दैट एनिमे इज सुराइतामा। तो इस एनिमे में हमारा इंडियन कैरेक्टर है अकीरा आगरकर यामाडा, जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है। और उसके कैरेक्टर के बारे में मैं यही बोल सकता हूँ कि ही इज क्वाइट सिक। खैर, अकीरा हमेशा शांत रहता है और वो अपने बदक से बात करता रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडियन कैरेक्टर्स हैं, जिसको कि मैं अभी स्पीड रन करके बता देता हूँ, वरना ये वीडियो मेरे प्लान टू वॉच लिस्ट की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अरसलन सेंकी में गदेवी, जसवंत, राजेंद्र, महेंद्र, बाहुबली नहीं, सिर्फ महेंद्र। नेक्स्ट डायनासोर की मीना, डिजीमोन की मीना, ब्लैक बटलर की मीना, डार्कर देन ब्लैक की मीना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। लाइक व्हाट द फक, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये जापानीज लोगों को इंडिया सुन के एनलाइटनमेंट, करी और मीना, इन सब के अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? लाइक मैं बचपन से यही रह रहा हूँ यार, करी को छोड़ के ना तो कोई मीना मिली है और ना तो कोई एनलाइटनमेंट। साले कुत्तों की जिंदगी। अदर इंडियन कैरेक्टर्स आर शक्ति वर्मा एंड गणेशा फ्रॉम धनमाची, राजकुमार राव नहीं नायर फ्रॉम यूरेका 7। दोस्तों, मीना को छोड़ करके डिजीमोन में एक और इंडियन कैरेक्टर है, गेस करो कौन होगी? ऐश्वर्या राय। अबे साले, या आई नो, वन ऑफ द रेयर टाइम जहाँ पर लाइव अडेप्टेशन इज बेटर देन एनिमे। इसके अलावा जेनी उर्मिना नारायण फ्रॉम डी ग्रे मैन, अमिताभ कपूर और मीना फ्रॉम डार्कर देन ब्लैक, अमंती पटेल फ्रॉम स्पेस ब्रदर्स। और भी ऐसे बहुत कैरेक्टर्स हैं जो अगर मैं बताने गया तो ये वीडियो मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह बहुत खराब हो जाएगा। बोल्ड ऑफ यू टू अज्यूम दैट माय सेंस ऑफ ह्यूमर वाज गुड इन द फर्स्ट प्लेस। पर जितना मुझे पता है, जब भी एनिमे में इंडिया की बात आती है तो मोस्टली फूड्स की बात होती है, जैसे कि करी। आप लोगों ने फूड वर्ड्स में भी ये सब देखा होगा, पर इसके बावजूद इंडियन कैरेक्टर और रेफरेंस मिलना इन एनिमे इज वेरी रेयर। मतलब ये वीडियोस में मैंने जितने भी रेफरेंस बताए हैं उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, पर हर साल 100 से भी ज़्यादा एनिमेज रिलीज होते हैं। तो ऐसे में एनिमे देखते वक्त फीलिंग प्राउड इंडियन वाली फीलिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो दिवाली का टाइम था, इसलिए सोचा इंडियन कैरेक्टर्स रिलेटेड वीडियो डाल दूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। और हाँ, अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो कर दो, क्योंकि मुझे थोड़े मीम्स या शिट पोस्ट डालने होते हैं जो मैं यहाँ पर चैनल पर नहीं डाल पाता, तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा अगर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो तो। सो माय इंस्टा इज इन डिस्क्रिप्शन एंड इन चैनल्स अबाउट सेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।